अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो काफ़ी सैड टॉपिक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आज की वीडियो का टॉपिक अरशद नदीम के ऊपर है। अरशद नदीम ने रिसेंटली हमारे मुल्क को वो जो है वो फाइनल्स में, जैवलिन थ्रो के फाइनल्स में लेके गए थे और वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया एंड फाइनली He appeared in final of javelin throw of Olympics 2021, but sadly वो gold medal जो है वो नहीं जीत सके just because उनके against में I'm not saying के जो दूसरा उनका opponent था उसकी वजह से वो javelin throw जो है वो नहीं जीत सके, बट उसके पीछे बहुत ज़्यादा जो है complications हैं कि वो क्यों नहीं जीत सके। just because he didn't get proper guidelines, proper support from government, और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। और ये जो अरशद नदीम है, इन्होंने अपने ओन पे सारा कुछ किया, इवन के इन्होंने जो भी अपनी मशीन्स वगैरह ली जस्ट फॉर हिज हेल्थ, जो कि जिम वगैरह में जाके यूज़ की जाती हैं, वो इन्होंने अपने लिए ली। इन्होंने क्या ली, बल्कि इनके जो फादर थे उन्होंने इनको ये सब चीज़ें दिलवाई इनका इंटरेस्ट देखते हुए। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए सैड मोमेंट है कि एक ऐसा बंदा जो कि बहुत ज़्यादा डिवोटेड है अपने पैशन के लिए, वो सब कुछ अपने लिए खुद ही कर रहा है बजाय इसके कि उसको गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करे। अब अगर ये गोल्ड मेडल जीत जाते तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का ही नाम रोशन होता, उसमें इनका तो अपना नाम रोशन होता ही होता, बट इसमें हमारी कंट्री का भी बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में जो है वो नाम रोशन होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आप ज़रा ये चेक कीजिए कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये खानेवाल जो डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम आपने शायद सुना होगा, उसके एक छोटे से सिटी है मियाँ चुन्नू, शायद आपने कभी नाम सुना हो। वहाँ से उठकर जो है एक बंदा ओलंपिक्स में जा रहा है और सैडली कि वो अपने ओन पे जा रहा है, ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि एक विक्ट्री है इनके लिए, और वो भी ओलंपिक्स में जाना ये बहुत बड़ी विक्ट्री है और वो भी अपने ओन पे। मतलब गवर्नमेंट ने ज़रा सा भी कोई सपोर्ट नहीं किया, ये अगर किसी चैम्पियनशिप में जाते थे तो अपने ओन पे जो है सारा उसके जितने भी एक्सपेंसेस होते थे, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन और ये सब चीज़ें जो है वो खुद जो है बेयर करते थे। उसके अलावा इनका जो शुरू में पैशन था वो क्रिकेट था, इन्होंने सोचा कि क्रिकेटर बनेंगे, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना जो है माइंड चेंज किया और ये जैवलिन थ्रो जो है उसके प्रैक्टिस करने लगे। और पाकिस्तान में वापदा की तरफ से मतलब उनको ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके बाद फिर जब ये जाते हैं ओलंपिक्स में तो वहाँ क्या होता है, वहाँ ये होता है कि इनका जो मुकाबला था वो नीरज जो है इंडियन जैवलिन थ्रोअर, उनके साथ इनका जो है मुकाबला होता है, वो इनके ओपोनेंट होते हैं और वहाँ पर सैडली ये जो है नहीं जीत पाते। और उसके बाद फिर आप ट्विटर के ऊपर देखिए, ट्विटर क्या बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर उल्टी सीधी बहुत सारी बातें जो हैं वो इस वक्त जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, जिसमें से एक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ नीचे की तरफ। ये देखिए, लुक एट दिस, के आई एम सो सैड टू टेल यू अबाउट दिस, के जो अरशद नदीम हैं उनका वेरीफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं है। मतलब एक जैवलिन थ्रोअर जो है, हमारी ओलंपियन जो है, एक ओलंपिक हमारा जो बंदा वहाँ पे जा रहा है ओलंपिक गेम्स के लिए, उसका वेरीफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं है, बिकॉज इससे पहले उन्हें कोई जानता ही नहीं था, कोई भी इन्हें नहीं जानता था इससे पहले। तो कहाँ से जो है वो, मतलब अपने लोग ही नहीं जान रहे तो इंस्टाग्राम वाले कहाँ से जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी ने फेक अकाउंट बना के, आई डोंट नो कि ये किसने हरकत की, कि उसने यहाँ पे लिख दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माय आइडल नीरज चोपड़ा फॉर विनिंग, सॉरी पाकिस्तान आई कुड नॉट गेट मेडल फॉर यू। तो ये अपनी तरफ से बना के जो है किसी ने जो है वो ट्विटर पे और यहाँ वहाँ जो है इसको मूव ऑन करवा दिया। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फेक है, मतलब बिकॉज इनका अपना जो है कोई वेरीफाइड अकाउंट ही नहीं है। वही बात जो मैं अगेन कहूँगा
कोई इन्हें जानता ही नहीं था इससे पहले तक। तो ये हमारे लिए काफ़ी सैड मोमेंट है, और ये सारा कुछ जो हो रहा है इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ आवर गवर्नेंस। हमारी गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही किसी भी प्लेयर को। टोटल 4 तो लोग हमारे ओलंपिक्स में गए हैं और उन वो भी अपने ओन पे गए हैं, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। जबकि नीरज जो है उन्होंने अपनी सारी ट्रेनिंग ही जो है वो यूरोप में कंप्लीट की है, उनकी कोचिंग सारी यूरोप की है, और जर्मन जैवलिन थ्रोअर जो है वो उनके कोच हैं। तो आप खुद सोच लें कि एक ऐसा बंदा जो अपने ओन पे ओलंपिक गेम्स में जा रहा है, और एक ऐसा बंदा जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। नीरज की एक पिक्चर है जिसके अंदर नीरज ने जो शूज़ पहने हुए हैं कैजुअल वेयर, उनकी कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 5 लाख है। तो इससे इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बंदा जो है उसको कितनी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, और उनका ट्विटर पे और यहाँ वहाँ उनके जो अकाउंट्स हैं उस पर ये चीज़ मुसलसल कहते रहते हैं नीरज जो है कि गवर्नमेंट उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो उसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो अरशद नदीम इज़ आवर रियल हीरो। उन्होंने अपने ओन पे अगर वो यहाँ तक गए बहुत 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 बड़ी बात है, हम सबको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि कोई अगर उल्टी बात करता है तो ये बहुत बुरी बात है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। और अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें वैसे ही वेलकम करना चाहिए जैसे कि जो है एक विनर को वेलकम किया जाता है। तो आई होप व्यूअर्स के आप इस चीज़ में अरशद नदीम को सपोर्ट करेंगे, एंड विश हिम गुड लक फॉर नेक्स्ट गेम्स, एंड सी यू लेटर गाइस। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो अरशद नदीम के बारे में और जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।